मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तोरी का चोखा, इसे हम सब्जी भी कह सकते हैं तोरी की। जो लोग तोरी की सब्जी नहीं खाते हैं वो लोग इसे बहुत पसंद करेंगे, खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने आधा किलो 500 ग्राम तोरी लिया है और ये बिल्कुल मुलायम है, इसका छिलका भी बिल्कुल मुलायम है। आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं चाकू से हल्का सा, और अगर इसको नहीं निकालना चाहते तो ये छिलका इतना पतला है कि ये छिलका सहित भी इसे हम बना सकते हैं। तो छिलका भी काफी टेस्टी होता है, हेल्दी होता है, तो इस छिलकों को हम नहीं निकालेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम तोरी को ले लेंगे और इसका टाइट पार्ट होता है, इसे हम निकाल देते हैं दोनों तरफ से। तो हमें क्या करना है, हमें लेना है कद्दूकस, इसे हमें ग्रेट करना है। तो ये मोटा साइज है कद्दूकस का, इसे हम इसे ग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से इसे हम ग्रेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से निकल करके आ रहा है इसका पार्ट। बहुत पतले वाले से हमें नहीं करना है, जो मोटा साइज होता है उसी से हमें इसे ग्रेट करना है। तो सारी तोरी को इसी तरीके से हम ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने सारी तोरी को ग्रेट करके रख लिया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। और अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे। तो हमने सरसों का तेल लिया है। ये सब्जी या फिर चोखा अगर हम बनाते हैं तो सरसों के तेल में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाना चाहते तो कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, जिसमें आप सब्जी बनाते हैं उसमें आप इसे बना सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। जब तक धुआं निकलने लगता है तब तक हमें तेल को गर्म करना है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सरसों का तेल कच्चा रह जाता है तो उसकी स्मेल जो होती सब्जी में अच्छी नहीं आती, इसलिए हमें इसे धुआं उठने तक गर्म करना होता है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा। हमने एक छोटा चम्मच जीरा लिया है, खड़ा जीरा, इसे हम डाल देंगे। इसे हमें हल्का सा ब्राउन होने देना है। तो जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। ये बड़ी साइज की प्याज है, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे डाल देते हैं, इसे हमें हल्का सा ब्राउन करना है। तो इसके साथ ही इसमें एक टुकड़ा अदरक का, एक हरी मिर्च और 7 से 8 कलियां लहसुन का मैंने कूट लिया है, इसे भी डाल देते हैं। इसे चोखे में स्वाद बहुत अच्छा आता है। मीडियम आंच पर इसे हल्का सा ब्राउन होने तक भूनते हैं। तो प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है और लहसुन अदरक अच्छी तरीके से भून चुका है और इन सबका कच्चापन जो है वो दूर हो गया है, अच्छी सी स्मेल आने लगी है इसमें से। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को काट करके रख लिया है, इसे डाल देंगे इसके साथ, इसे मिला देंगे। तो अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, जिससे टमाटर हमारा जल्दी से गल जाएगा। तो हमने एक छोटा चम्मच नमक लिया है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसे मिला देते हैं और इसे 1 मिनट तक भूनते हैं। तो चलिए अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालते हैं। ये हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये चिली फ्लेक्स है, घर की पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर है ये। और इसके अंदर डाल देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर खटास के लिए, और हमने लिया 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और 3 से 4 पिंच हमने हल्दी पाउडर लिया है। इन सारी चीजों को धीमी आंच पर हम 1 मिनट तक भून लेते हैं। और इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 पिंच हींग, अगर आपको पसंद हो तो डालें, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और हाजमे के लिए भी तो हींग बहुत अच्छी होती है। तो मसाला हमारा भून चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे तोरी, जो मैंने कद्दूकस करके रखा है, इसे हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसके अंदर हमें पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तोरी से भी पानी निकलेगा और ये अपने पानी से ही अच्छी तरीके से पक जाएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चोखा बनाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और जो लोग तोरी नहीं खाते हैं उनको भी नहीं मालूम पड़ेगा और वो बहुत स्वाद से इसे खाएंगे। तो आप एक बार इसे जरूर बनाइएगा। तो बस इसे हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए, फिर बीच में हम चेक करेंगे इसे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं तोरी से पानी निकलने लगा है। तो हमने आंच को मीडियम रखा है, बहुत तेज आंच हमें नहीं करना है इसे। तो इस तरीके से इसे मिक्स करते रहेंगे और 2-2 मिनट पर इसे हम चला देंगे और पानी सूखने तक अच्छी तरीके से इसे हम पका लेंगे। जब तक तोरी हमारी अच्छी तरीके से गल नहीं जाती है हमें इसे पका लेना है। तो चलिए हम चोखा को चेक कर लेते हैं और इसे मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं चोखा हमारा अच्छी तरीके से बन चुका है और ये तोरी जो है ये भी गल गई है। इसे हम दबाकर देखेंगे, बहुत आराम से ये दब रही है।
तो बहुत ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, नहीं तो बिल्कुल हलवा बन जाएगा, जैसे हलवा होता है उस तरीके से गल जाएगा। तो बस ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से, इसके लच्छे लच्छे मुंह में आते हैं खाने में। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरी धनिया कटी हुई, इसे मिला लेते हैं और अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये गर्मा गर्म खाने के लिए तैयार है हमारा तोरी का चोखा। इसे आप गर्मा गर्म पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए या फिर चावल से खाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ऊपर से थोड़े से करी पत्ते से इसे हम गार्निश करेंगे। मैंने करी पत्ता को छोटा छोटा काट लिया है, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से आप तोरी का चोखा बनाइए।